गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? रात को हम मनाली से पीछे क्लाथ में लगभग 3 बजे पहुंच गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि यहीं पर सोएंगे और यहां पर नहा लेंगे सुबह, और उसके बाद ही अगला सफ़र शुरू करेंगे, क्योंकि अभी 4-5 दिन हमें नहाना भी नहीं मिलेगा, ऊपर ठंड इतनी ज़्यादा होती है। क्लाथ में गर्मा गर्म पानी से नहाने के बाद निकल पड़े हैं मनाली की तरफ। तो आज लगभग 2 साल के बाद मैं मनाली जा रहा हूँ। मनाली मेरी जान, माय सेकंड होम। मनाली स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हार्ट ऑफ हिमाचल। फ्यूचर में अगर कहीं मैं रहना पसंद करूँगा तो वो सिर्फ मनाली ही होगा। तो कोविड से पहले मैं भी टूर एंड ट्रैवल का ही काम करता था, तो महीने में लगभग 3 से 4 बार मैं मनाली आता ही था। तो मनाली से मेरी बहुत सी गहरी और बहुत प्यारी कुछ यादें जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं आज ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आज मैं बहुत लंबे समय के बाद अपने घर आया हूँ। तो ठीक सामने है मनाली का वोल्वो बस स्टैंड, जहाँ पर रोज हजारों लोग घूमने आते हैं और मनाली की बहुत सी खूबसूरत यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। ये सब सेम मैंने भी कभी एक्सपीरियंस किया है, लाइक टूरिस्ट को ड्रॉप करना, यहाँ से पिक करना। यहीं पे कई बार हम टूरिस्ट का वेट करते थे। मोस्टली जब टूरिस्ट मॉल रोड पे घूमने जाते हैं तो गाड़ी यहीं पे ही पार्क करनी पड़ती है, क्योंकि मॉल रोड के एरिया में पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। सुबह सुबह जब यहाँ पे वॉल्वो पहुँचना शुरू होती हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड भी रहती है, तो सुबह ये रोड साइड की छोटी छोटी दुकानों पर गर्मा गर्म चाय पीने का अपना ही एक अलग मज़ा है। अगर मनाली के सीनिक ब्यूटी की बात करें तो मनाली नेचुरली तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोग मनाली की अलग ही तस्वीर लेके अपने दिमाग में आते हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पे डिसअपॉइंटेड भी बहुत होते हैं। अब मनाली का सारा ट्रैफिक इस बाईपास रोड पे डाइवर्ट हो गया है। पहले गाड़ियाँ पुराने रास्ते से जाती थी, जो सीधा माल रोड पे ही निकलता है, और वहीं पे बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता था। तो जी, पहुंच गए हैं मनाली। ठीक लेफ्ट साइड में है मनाली का बस स्टैंड, मॉल रोड और मार्केट। यहाँ पर भी रात को बारिश हुई है, आप देख सकते हो मौसम अभी भी पूरा क्लाउडी है। अगर बारिश होती रही तो हमें सफ़र में बहुत टाइम लग जाएगा, मौसम थोड़ा साफ रहा तो हम जल्दी कवर कर लेंगे। अभी तो यहाँ पर आपको सब खाली खाली लग रहा है, लेकिन शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं रहती है, क्योंकि जितना भी पूरा टूरिस्ट होता है शाम को सब मॉल रोड ही आते हैं घूमने। तो अभी मनाली में थोड़ी देर रुकेंगे, यहाँ पर किसी से मिलना है, थोड़ा सा काम भी है यहाँ पर, उसके बाद सीधा निकलेंगे। तो क्लाथ से नहा के हम मनाली पहुँच गए हैं। मौसम सुबह से लेके ख़राब ही है, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। यहाँ से किसी भाई से मिलना था तो वो अभी मिलने आए थे, अभी वो चले गए हैं। तो यहाँ पर अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। हमारी एक गाड़ी आगे चली गई है और एक गाड़ी अभी पीछे आ रही है, तो वो लोग तो अपना ही खाना बना रहे हैं गाड़ी में, लेकिन हम यहीं पर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो लंच के लिए देखेंगे आगे कहीं रुकेंगे और अपना लंच वहीं तैयार करेंगे। तो सोलंग वैली और आगे की तरफ भी बारिश ही हो रही है, जो दारचा में अपनी गाड़ियां खड़ी हैं वहां पर गाड़ियां आगे उन्होंने जाना अलाउड नहीं किया, क्योंकि बारालाचा में बर्फ़ गिर रही है। तो आज रात हम दारचा ही निकलेंगे, तो शायद कल वहाँ से गाड़ियाँ जाना शुरू हो सकती हैं। मनाली में खाना खाने के बाद अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, और बारिश हो रही है भाई साहब बहुत ज़्यादा, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। जो भी भाई लेह लद्दाख के लिए आज के सीज़न में जा रहे हैं, आजकल जा रहे हैं, आगे आने वाले बरसात के मौसम में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रोड का अपडेट लेकर ही चलें, क्योंकि इस एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है कुल्लू में, और बारालाचा में तो पता ही है कि बर्फबारी होती है। तो जी, हम पहुंच गए हैं अभी पलचान में, और पलचान में देख रहे हैं बहुत बड़ा ब्रिज जो है बना हुआ बहुत सारा लोहे का, और इसके राइट साइड पे देख रहे हैं आप छोटा पुल जो पुराना पुल है, जहां पे हुई है बॉलीवुड मूवी टैंगो चार्ली की शूटिंग, जहाँ पे पूछता है बॉबी देओल अजय देवगन से पासवर्ड क्या है, पासवर्ड। तो मनाली में अक्सर बॉलीवुड शूटिंग या दूसरे सीरियल्स की शूटिंग होती रहती है, यहाँ पर कोई ना कोई सेलिब्रिटी हमेशा विजिट करता ही रहता है। यह है जी मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट विजिटेड प्लेस इन मनाली, सोलंग वैली। तो बारिश से तो सोलंग वैली का बन गया है स्विमिंग पूल, पूरा पानी पानी हो रखा है पूरे ग्राउंड में।
तो मनाली घूमने वाला हर टूरिस्ट तो सोलंग वैली घूमने आता ही है। आज इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड नहीं है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं नए रास्ते से, जो नया रास्ता टनल होके निकलता है सिसू। पहले पुराना रास्ता जो कोठी गुलाबा मढ़ी होते हुए रोहतांग और कोकसर होते हुए निकलता था, तो टनल शुरू हो गई है। हम जा रहे हैं टनल वाले रास्ते से। अभी धुंधी पहुँच रहे हैं। धुंधी वही जगह है जहाँ पे टनल के बनने के टाइम कंपनी का बेस था। यह है जी मनाली का पॉपुलर लैंडमार्क अटल टनल रोहतांग। तो यहाँ पे कुछ छोटी गाड़ियों की चेकिंग भी हो रही है पुलिस के द्वारा, और ठीक सामने है वेलकम गेट। तो अटल टनल का साउथ पोर्टल कुल्लू में और नॉर्थ पोर्टल लाहौल स्पीति में है। इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा भी मिली है, क्योंकि जब पुराना रास्ता रोहतांग से होता था तो लगभग 5 से 6 महीने ये रास्ता डिस्कनेक्ट हो जाता था। लाहौल स्पीति का कुल्लू के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता था पूरा लिंक। तो अब इस टनल के बनने से 24/7 आप लिंक्ड हो और आराम से कभी भी लाहौल स्पीति या लाहौल स्पीति वाले मनाली आराम से आ सकते हैं। तो इस टनल में आपने देखा होगा कि काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं, क्योंकि बाहरी लोग जो आते हैं वो कुछ रैश ड्राइविंग भी करते हैं, तो जिस वजह से इसमें एक्सीडेंट होने की काफ़ी संभावना भी रहती है। इस टनल की मैक्सिमम स्पीड है 40 और जगह जगह पर सर्विलेंस कैमरे भी लगे हैं। इसमें ड्रिंकिंग वाटर भी है और थोड़ी थोड़ी जगह पर इमरजेंसी एग्जिट भी बने हैं कि कई बार अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो इस टनल से इमरजेंसी एग्जिट भी किया जा सकता है। तो ये टनल तो एकदम फुली इक्विप्ड है, तभी इसको बनने में लगभग 10 साल का समय लग गया। ये निकल गए जी हम नॉर्थ पोर्टल में, जो कि है लाहौल एंड स्पीति में। तो नॉर्थ पोर्टल में आके हमारे एकदम वक्त और जज्बात बदल गए, क्योंकि जब पहाड़ियों पे एकदम ऐसी भरी हुई बर्फ़ दिखी तो भाई साहब मन हो गया कूल कूल। अभी यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है और बारिश भी बढ़ गई है। तो मैं इस लोकेशन में लॉकडाउन के टाइम पर भी आया था, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेटअप था कंपनी का तो उसको डिसमेंटल कर रहे थे। यूजुअली यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, तो यहाँ पर ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मनाली में आने वाला हर टूरिस्ट अब रोहतांग टनल और सिसू विजिट करने आता ही है, क्योंकि अब ये यहाँ के मेन प्राइम लोकेशन बन गए हैं टूरिज़्म के हिसाब से। तो नीचे आप जो ये नदी देख रहे हो, ये नदी चंद्रताल से आती है जिसका नाम है चंद्रा, और आगे ये तांदी में दूसरी नदी के साथ मिलकर चंद्रभागा हो जाती है। टनल के बाद और सिसू लेक से पहले बीच में एक लोकेशन बहुत प्यारी सी है। आज बारिश है तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन साइड बाय साइड मैं एक और वीडियो प्ले कर रहा हूँ। इस वीडियो को भी मैंने बनाया था, मैं कोविड के टाइम पे अगस्त सितंबर के टाइम यहाँ आया था, तो इसका व्यू जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। और आप देख सकते हो, आप खुद ही कंपेरिजन करिए कि उस टाइम पर इसका व्यू और आज बारिश के टाइम पर इसका व्यू कैसा है। अभी बार बारिश भी हो रही है और काफ़ी ठंड भी है, तो यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हम आगे चलते रहें ताकि अपना सफ़र साथ में कवर हो जाए। ठीक सामने आप देख रहे हो जी सिसू लेक, और उसके पीछे है हेलीपैड और पार्किंग। पहले यहाँ पर बहुत कम ही टूरिस्ट आते थे, लेकिन जब से रोहतांग टनल बनी है तो यहाँ पर टूरिस्ट काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे यहाँ के लोकल लोगों को बिजनेस भी बहुत बढ़िया करने का मौका मिल गया है। तो अभी यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी खोल दी हैं और इस लेक में बोटिंग भी करवाते हैं, और साथ में ही यहाँ पर कैंपिंग ट्रैकिंग भी होती है। स्पीति पहले से ही टूरिज़्म के लिए बहुत हाईलाइटेड है, लेकिन लाहौल वालों को उतना फ़ायदा उसका नहीं मिलता था। अब लाहौल वाले भी धीरे धीरे हाईलाइट हो रहे हैं, इनको भी रोज़गार के नए मौके मिल रहे हैं। अब यहाँ पर होटल्स और कॉटेजेस भी बन रहे हैं, और इसका एक और एडवांटेज है कि जो लेह लद्दाख जा रहे हैं वो साथ में थ्रू लाहौल इसको विजिट कर सकते हैं, लाइक केलांग और ये सब साथ में विजिट हो जाता है। अगर लाहौल के नेचुरल ब्यूटी की बात की जाए तो सबसे खूबसूरत ये इलाका है सिसू से लेकर टिल दारचा तक।
ये सारा एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हो ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फों से लदे हुए हैं और नदी है और छोटी छोटी स्ट्रीम्स पानी की निकल रही है। तो अगर मौसम साफ रहता तो ये व्यू और भी ज़्यादा बेहतर होता। तो ये सिसु से आगे एक ट्रांजिट कैंप है आर्मी का, देख सकते हो कितने सारे आर्मी के ट्रक खड़े हैं। तो ये शायद कोई आर्मी का कॉन्वॉय या तो ले लद्दाख की तरफ जा रहा है या वहाँ से आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कैंप है यहाँ पे ट्रांजिट कैंप। तो मनाली से आगे का सारा एरिया, ये सारा रोड डिफेंस के अंडर ही आता है, बीआरओ के अंडर ही आता है। तो इन रोड में यूजुअली आपको आर्मी की आवाजाही मिलेगी। जैसे आप देखोगे तो लेह लद्दाख में तो पूरा आर्मी से ही भरा पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर चाइना बॉर्डर एकदम नज़दीक है, तो वहाँ से प्रोटेक्शन के लिए आर्मी को बहुत ज़्यादा डिप्लॉय करके रखा है। चलते चलते हम पहुँच गए हैं तांदी, और यहाँ पे अभी हम गाड़ी में डीजल भरवाएंगे क्योंकि उसके बाद हम ले नहीं, हमें डीजल मिलेगा। तो बारिश तो आज थमने का नाम नहीं ले रही, अभी बारिश हो रही है और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अभी अपनी दूसरी गाड़ी आगे निकल गई है, वो आगे हमारा इंतज़ार कर रही है। तो अभी यहाँ पर डीजल भरवा के हम सीधा दारचा तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तांदी में डीजल भरवा के हम आगे निकल गए हैं। तो ठीक सामने आप देख सकते हो कैलंग बाज़ार। तो गाइज आप व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है, छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेत, ऊपर बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ और नीचे नदी। यही सब चीज़ें पहाड़ और पहाड़ी जीवन को बहुत अलग और यूनिक बनाता है। स्पेशली मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे ऐसे पहाड़ों पर ड्राइव करना और रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देख सकते हो छोटे छोटे गांव हैं और उन गांव वालों का जीवन कितना ही प्यारा होगा और वो कितने अनटच हैं अभी भारी दुनिया से, लाइक जैसे पॉल्यूशन या भीड़ भाड़ की जगह से। तो हमारे पप्पी भाई भी वीडियो बनाने में बिजी हो गए हैं, ये भी कुछ सुनहरी यादें इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी पहली बार मेरे साथ ले जा रहा है। तो गाइज देखिए मैं बिना ग्लव्स के ही गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी सॉक्स भी नॉर्मल है। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अब दारचा तक जाके ही सब चीज़ों का सॉल्व किया जाएगा, वहाँ पर ही ठंड वाले कपड़े यूज़ किए जाएंगे। फिलहाल तो मेन गोल दारचा पहुँचने का ही है। आप देख सकते हो पहाड़ियों पे एकदम ताज़ा बर्फबारी हुई है। अभी हम केलंग से आगे आ गए हैं और लगभग 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, 10-15 किलोमीटर लिखा है यहाँ पे। तो जी पहुंच गए हैं जिस्पा, अभी बारिश थोड़ा रुक गई है। तो जिस्पा इस रूट का सबसे ज़्यादा कमर्शियल एरिया होगा मेरे हिसाब से। पहले जिस्पा में एक दो कैंप साइट ही होती थी, लेकिन अब जिस्पा में होटल, रेस्टोरेंट, कॉटेज, होम स्टे और कैंप साइटें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि ये लेह लद्दाख जाने के बिल्कुल ऑन रूट पड़ता है। तो यहाँ पर मोस्टली लोग कैंपिंग करने ही आते हैं। मोस्टली इस एरिया में बाइकर्स ज़्यादा मिलेंगे आपको जो लेह लद्दाख बाइक ट्रिप करते हैं। तो गाइज ये एक अलग ही व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये लाल लाल पत्थर गोल गोल से हैं और आप आगे देखिए छोटे छोटे पेड़ और इनके इधर उधर ये लाल रंग के पत्थर, बहुत ही अलग और डिसेंट व्यू मिल रहा है। जिस्पा से आगे दारचा तक का सारा फ्लैट लैंड है, ये दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच की घाटी है। तो हम एकदम नदी के पैरेलल ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आ गया जी दारचा के आसपास का एक व्यू। आप देख सकते हो कितनी प्यारी जगह है, पहाड़ों के बीच से छोटे छोटे पानी की स्ट्रीम्स निकल रही हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी तो हुई है, मौसम अभी भी ख़राब है, तो रात को तो बर्फ़ गिरेगी ही क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और यहीं पर ही पुलिस चेक पोस्ट है,
तो हमारी गाड़ियों को शायद कल आगे जाना अलाउड कर दें तो हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो ठीक सामने है दारचा का ब्रिज और दारचा का गांव,